हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश डेली और वीकली करंट अफेयर 2021 के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 16 से 30 दिसंबर के बीच 2021 में जितने भी क्वेश्चन हुए उनके बारे में, जो आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए इन करंट अफेयर की वीडियो से जो मैं रेगुलरली लेके आता हूँ, उससे तैयारी कर सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, वह यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। टॉप 40 ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलते हैं समय गवाए बिना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। मध्य प्रदेश की पहली महिला रेसलर का नाम क्या है? तो दोस्तों, पूजा जाट। पूजा जाट इनका नाम है, जो मध्य प्रदेश की पहली रेसलर हैं। आपको इनका नाम याद रखना है, पूजा जाट, और ये इंदौर की रहने वाली हैं। नॉर्वे में आयोजित सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी भोपाल है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो भाजपा से हैं। 230 विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। वहीं बात करें पुरस्कार की, तो कालिदास, शिखर तानसेन, लता मंगेशकर, शरद जोशी, कुमार गंधर्व, ये प्रमुख पुरस्कार हैं मध्य प्रदेश के। उद्यान में बात करें तो बांधवगढ़, कान्हा किसली, माधव पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, ये प्रमुख उद्यान हैं। चचाई, बहुटी, धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा, ये प्रमुख जलप्रपात हैं मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें बांध की, तो बरगी, राजघाट, माणसागर, तवा, गांधी सागर, बारना, ये सभी बांध हैं मध्य प्रदेश में। तो इतना आपको एमपी के बारे में याद रखना है, यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन अनुसार 100 प्रतिभाशाली लोगों में पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों, टाइम मैगजीन के अनुसार 100 प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, नेताओं की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी पहले स्थान पर हैं। अगर बात करें इनोवेटर की लिस्ट में, तो टेस्ला के एलोन मस्क इनोवेटरों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। दोस्तों, आपको बता दें ये जो लिस्ट है वह द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दी जाती है, तो आपको इतना याद रखना है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड, यानी जिसे हम इंग्लिश में NMDC के नाम से जानते हैं, इसे दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को दिया गया है। दोस्तों, इस लिमिटेड की स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है और इसके MD सुमित देव हैं। ऐसे हो देशों के युद्ध हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ऐसे हो देशों का युद्ध हाल ही में रूस में शुरू हुआ है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा रूस, जो ऑप्शन फोर्थ में है। आपको बता दें इस जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम पीसफुल मिशन है। एक और दोस्तों SCO के बारे में बात आई है, तो आपको उसके बारे में बता दें, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का फुल फॉर्म होता है। इसकी जो लैंग्वेज है रशियन और चाइनीज है। 2001 में इस संगठन का फॉर्मेशन किया गया था, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वह व्लादिमीर नोरोव हैं। कुल 9 मेंबर हैं SCO में। दोस्तों, इतना आपको SCO के बारे में याद रखना है। हाल ही में किन दो टीवी को मिलाकर संसद टीवी का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों टीवियों को मिलाकर संसद टीवी का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसे चुना गया है? तो उत्तराखंड का नया राज्यपाल गुरमीत सिंह को चुना गया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गुरमीत सिंह। दोस्तों, आपको बता दें बेबी रानी मौर्य की जगह गुरमीत सिंह को चुना गया है और इसके जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वह पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। तो उत्तराखंड के बारे में इतना तो आपको याद ही रखना है। बात आई है उत्तराखंड की, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, एक तो देहरादून है और दूसरी गरसैंण है, जो हाल ही में बनाई गई एक नई राजधानी है। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से इसे अलग किया गया था। राजधानी देहरादून और गरसैंण है। गवर्नर गुरमीत सिंह है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो हाल ही में बनाए गए हैं। राज्यसभा की 3 और लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं उत्तराखंड में।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया 2020 लिस्ट में सबसे ज्यादा बच्चे किस राज्य से गायब हुए हैं? तो दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश से गायब हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 8,751 बच्चे एक साल में गायब हुए हैं पिछले एक साल में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ये क्राइम इन इंडिया की लिस्ट में बताया गया है। दोस्तों बच्चों के खिलाफ अपराध में भी मध्य प्रदेश नंबर वन है। वहीं बात करें 2019 के मुकाबले 2020 में 28% आपराधिक केसों में वृद्धि की गई है। हत्या के केस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखे गए हैं, दुष्कर्म के केस राजस्थान में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। वहीं अगर बात करें हत्याएं सबसे ज्यादा किस राज्य में हुई हैं, तो बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं। तो इतना आपको इस लिस्ट के बारे में याद रखना है, जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और ये गलत साइन है मध्य प्रदेश के लिए। ऑकस नाम का ग्रुप हाल ही में किन देशों ने बनाया है? तो दोस्तों ऑकस नाम का ग्रुप हाल ही में यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर बनाया है। तो ऊपर के ये तीन इसका सही आंसर होंगे। यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर ऑकस हाल ही में एक ग्रुप फॉर्मेशन किया है। भारतीय थल सेना के प्रमुखों का सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारतीय थल सेना के प्रमुखों का आयोजन हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको लगता है कि ये इजी क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है भारतीय थल सेनाओं के प्रमुख का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में लसित मलिंगा ने संन्यास लिया, यह किस देश के क्रिकेट खेलते हैं? तो दोस्तों यह है श्रीलंका से क्रिकेट खेलते थे, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, इनका नाम है लसित मलिंगा। चलिए कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं, जिससे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है श्रीलंका के ये गेंदबाज थे, सबसे पहले तो ये श्रीलंका के गेंदबाज थे, ये एक फैक्ट हो गया। T20 में 2014 में विश्व कप में इन्होंने कप्तानी की थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दो हैट्रिक विश्व कप में लेने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं लसित मलिंगा। दोस्तों इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 5 बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं लसित मलिंगा। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है, एक महान बॉलर थे श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 16 सितंबर। दोस्तों आपको बता दें इस दिवस की शुरुआत 1987 में की गई थी, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी 1987 में आयोजित किया गया था। इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये थीम इस दिवस की रखी गई है। देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच बनाया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो दिल्ली से जयपुर के बीच बनाया जा रहा है और यह देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। एथेनॉल से वाहन चलाने की मंजूरी मिली है। देश में 22 ग्रीन हाईवे बन रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विश्व में सबसे बड़ा 12 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। रतलाम को लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा इसके अंतर्गत। दोस्तों ये सभी घोषणाएं हाल ही में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई हैं। हाल ही में चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम अटल प्रगति पथ रखा गया है। हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, उनके नाम पर अटल प्रगति पथ चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना है, आपके किसी भी एग्जाम में ये चेंजिंग नाम चेंजिंग वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की कौन सी बैठक का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक है वह 15वीं आयोजन किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15th ऑप्शन सी। पूर्वी शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की यह 15वीं बैठक का आयोजन किया गया है। सूर्यग्रहण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो दोस्तों सूर्यग्रहण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नेपाल। दोस्तों यह भारत और नेपाल के बीच 15वां संस्करण होगा सूर्यग्रहण का। बात आई है नेपाल की, तो मैप में ये देख सकते होंगे नेपाल है, नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य भी है, देश भी है,
यहाँ का जो मोटो है वह जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि करीयसी, ये मोटो है। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वह विद्या देवी भंडारी हैं, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा हैं जो हाल ही में बनाए गए हैं, और मुद्रा है नेपाली रुपया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जिसमें से शेर बहादुर देउबा जो प्रधानमंत्री बने हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष हाल ही में किस भारतीय को चुना गया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष हाल ही में सैफ अली जुनेजा को चुना गया है। ऑप्शन ए सैफ अली जुनेजा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, फर्स्ट इंडियन है इस पद पर जाने वाले, 12 साल बाद यह भारत को जिम्मेदारी मिली है। सैफ अली जुनेजा फर्स्ट इंडियन है जो इस पद पर पहुंची है। निम्न में से किस राज्य में बलिदान दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी मध्य प्रदेश। गोंडवाना साम्राज्य की राजा शंकरशाह है और कुंवर रघुनाथ शाह की जयंती पर यह बलिदान दिवस मनाया गया है मध्य प्रदेश में। इसमें जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वह शामिल हुए थे। किस जिले में आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है। यहीं पर हाल ही में बलिदान दिवस का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ को किस देश ने हाल ही में ज्वाइन किया है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ईरान। ईरान को हाल ही में एससीओ ने ज्वाइन किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ईरान। दोस्तों, आपको एससीओ के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया है फिर से बता देता हूँ। एससीओ का फुल फॉर्म संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फॉर्मेशन 15 जून 2001 को किया गया था। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। टोटल इसके जो अब मेंबर हो चुके हैं वह 9 हो चुके हैं। अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको 8 बताए थे, लेकिन अब जो मेंबर ईरान के जुड़ने के साथ 9 हो गए हैं, वहां मैंने जानबूझ के उसके मेंबर 8 बताए थे क्योंकि ईरान हाल ही में ऐड हुआ है। तो इसके कुल मेंबर हो चुके हैं 9। 9 मेंबर कौन कौन से हैं तो आपको बता दें, चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 9 मेंबर हैं एस सी ओ के। वहीं 4 ऑब्जर्वर मेंबर हैं जो अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और ईरान। अब ईरान यहां से हट चुका है तो कुल 3 ही ऑब्जर्वर में स्टेट बची हैं। इसके जो एस जी हैं वह व्लादिमीर नोरोव हैं। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन 2021 में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, G20 की जितनी भी बैठकें हुई हैं 2021 में वो सभी इटली में आयोजित की गई हैं। जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इटली। दोस्तों, कृषि मंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्रियों की बैठक हो, गृह मंत्रियों की बैठक हो, रक्षा मंत्रियों की बैठक हो, G20 की किसी प्रकार की भी बैठक हो, वह सभी बैठकें 2021 की इटली में आयोजित की गई हैं। दोस्तों, 2020 में रियाद सऊदी अरब में जो 15वीं बैठक थी वहां आयोजित की गई थी। 2022 में दोस्तों बाली इंडोनेशिया में, और 2023 में G20 की बैठक भारत दिल्ली में आयोजित की जाएगी जो 18वीं बैठक होगी G20 की। लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीती है? तो दोस्तों, लगातार दूसरी एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप पंकज आडवाणी ने जीती है। तो ऑप्शन बी पंकज आडवाणी सही होगा। दोस्तों, इसका आयोजन कतर में किया गया था। बिलियर्ड्स और स्नूकर में सभी प्रारूप में जीतने वाले एकमात्र हैं पंकज आडवाणी। हाल ही में पंजाब का नया सीएम किसे चुना गया है? तो दोस्तों, चरणजीत सिंह चन्नी को हाल ही में पंजाब का नया सीएम चुना गया है। अमरिंदर सिंह की जगह पंजाब का नया सीएम इन्हें बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें अनुसूचित जाति के पंजाब के पहले सीएम है यह है। इससे पहले अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वे 2019 की रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, केरल इसमें दूसरे स्थान पर है। बचत खाते खुलवाने में राजस्थान, छत्तीसगढ़ सबसे आगे हैं। तो ये जो लिस्ट है वह अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वे 2019 की है जो 2021 में रिलीज की गई है। दोस्तों, बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो चलिए आपको मैप में इसकी लोकेशन और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश की है। ये ब्रॉड मैप है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। दोस्तों, जो प्रस्तावित राजधानी है वह अमरावती है।
राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं, मुख्यमंत्री वाई एस जगमोहन रेड्डी हैं। यहाँ पर जो स्थापना है वह 1 नवंबर 1953 में की गई थी और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। राज्यसभा की 11 है और लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के राजकीय सोंगी तो माँ तेलुगु थालिकाई, ये आंध्र प्रदेश का राजकीय सोंग है। वहीं बात करें तो डांस की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का राजकीय डांस है। मैमल की बात करें तो ब्लैक बक है। वर्ड की बात करें तो पैरट यहाँ का राजकीय पक्षी है। फिश की बात करें तो मुड फिश यहाँ की फिश है। फ्लावर में जास्मिन यहाँ का जो राजकीय पुष्प है। फ्रूट की बात करें अगर तो यह मैंगो है। और ट्री की बात करें तो नीम, नीम यहाँ का राजकीय ट्री है। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश में याद रखना है, आपके एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एमी अवार्ड का 2021 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो एमी अवार्ड का हाल ही में 73वां संस्करण का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी 73वां संस्करण इसका सही आंसर होगा। दोस्तों एमी अवार्ड का यह संस्करण लॉस एंजलिस यूएसए में किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग ड्रामा जो रिलीज सीरीज है द क्राउन के लिए इसका अवार्ड दिया गया है। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज में टेड लैसो, ये एक सीरीज है, इसको दिया गया है। आउटस्टैंडिंग एक्टर जेसन सुदेकिस जो टेड लैसो के हैं इन्हें दिया गया है। वहीं अगर फ्रॉम कॉमेडी एक्ट्रेस की बात करें अगर तो जीन स्मार्ट जो टैक्स मूवी से हैं इन्हें यह एमी अवार्ड दिया गया है। हाल ही में कॉपर महासीर को किस राज्य की मछली, राज्य मछली घोषित किया गया है? तो दोस्तों कॉपर महासीर मछली को हाल ही में सिक्किम की राज्य मछली का दर्जा दिया गया है। तो ये सही आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन बी। दोस्तों इसका जो अन्य नाम है वह कैटली है, यानी कॉपर महासीर का अन्य नाम कैटली है। 2014 में IUCN की लिस्ट में यह लुप्तप्राय पक्षी घोषित, लुप्तप्राय मछली घोषित की गई थी जो अब सिक्किम की राजकीय मछली है। हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक किस बैंक को बताया गया है? तो दोस्तों DBS बैंक सिंगापुर को हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, DBS बैंक सिंगापुर। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। लगातार 4 साल से यह सर्वश्रेष्ठ विश्व का बैंक बना हुआ है। दोस्तों यूरोमनी के द्वारा 2019 में सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया था। तो ये आपको इतना याद रखना है, DBS बैंक ये सिंगापुर का बैंक है जिसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बैंक का दर्जा दिया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल इनोवेशन 2021 में भारत का स्थान 46th है। तो आपको याद रखना है 46वां स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का। दोस्तों 2020 में भारत का 48वां स्थान था। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक के द्वारा यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी की जाती है जिसमें टॉप स्विट्जरलैंड, स्वीडन और यूएसए ने किया है। वहीं भारत की रैंक है 46वीं। दोस्तों FSSAI का थर्ड ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक की तीसरी लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रहा है? ये तीसरी लिस्ट है जिसमें पहले स्थान पर गुजरात रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गुजरात। अगर बात करें सेकंड स्थान की तो केरल और थर्ड है तमिलनाडु। ये तो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं छोटे राज्यों की। तो छोटे राज्यों में गोवा और मेघालय ये पहले स्थान पर रहे हैं। अगर बात करें अब यूटी की यानी यूनियन टेरिटरीज की तो उसमें जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है और उसके बाद दिल्ली, दिल्ली तीसरे स्थान पर आता है। अब ये दोस्तों FSSAI के बारे में क्या होता है इसके बारे में आपको बता दें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसका फॉर्मेशन 2011 में किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी जो प्रेसिडेंट है वह रीता तेवलिया है। तो आपको इतना FSSAI के बारे में याद रखना है। दोस्तों बात आई है गुजरात की तो आपको मैप में ये लोकेशन दिखा दें, ये लोकेशन है गुजरात की।
गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। राजधानी गांधीनगर है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं, जो हाल ही में नवनिर्वाचित हुए हैं। इन्हें फिर जो गुजरात का मुख्यमंत्री है नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं गुजरात में। दोस्तों अगर बात करें राजकीय सोंग की गुजरात की, तो जय जय गरावी गुजरात, ये यहाँ का राजकीय सॉन्ग है। मैमल की बात करें तो एशियाटिक लाइन यहाँ का जो है मैमल है। वर्ड की बात करें तो ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ का वर्ड है। फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड राजकीय पुष्प है गुजरात का। फ्रूट की बात करें तो मैंगो, और वनियान ट्री गुजरात का राजकीय ट्री है। तो आपको इतना याद रखना है गुजरात के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी 21 सितंबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों 1982 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। इसकी थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये थीम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की 2021 में रखी गई है, जो 21 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किसे वायु सेना का प्रमुख बनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में वीआर चौधरी को वायुसेना का प्रमुख चुना गया है। तो ऑप्शन बी वीआर चौधरी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इससे पहले राकेश कुमार भदौरिया वायुसेना के प्रमुख थे, लेकिन अब वीआर चौधरी वायुसेना के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाएगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाएगी। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा यह घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं। प्रदेश के उत्पादों को विदेशों में बेचने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई जाएगी। वाणिज्य उत्सव दिवस भी मनाया जाएगा, ऐसा हाल ही में सीएम शिवराज सिंह जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के बैट्समैन को किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों अब क्रिकेट के जो बैट्समैन हैं उन्हें बैटर के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, बैटर। दोस्तों यहाँ पर ये मैन लगा है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी होती थी, लेकिन अब बैटर बोला जाएगा, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। क्रिकेटर में जो भी होगा उन्हें, जो भी खिलाड़ी होगा उसे बैटर बोला जाएगा। ब्लू फ्लैग प्रमाण किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ब्लू फ्लैग जो प्रमाण है वह समुद्री तट सुरक्षा प्रबंधन, पानी गुणवत्ता आदि के लिए दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समुद्री तट। ये दोस्तों ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाण है वह जो दिया जाता है वह 33 मापदंडों के लिए दिया जाता है। भारत में कुल ऐसे अभी तक सिर्फ 10 ही तट हैं जिन्हें यह प्रमाण पत्र दिया गया है। हाल ही में कोवलम जो केरल में है और ईडन जो पुडुचेरी का तट है, इन दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से नवाजा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको बता दूं, ब्लू फ्लैग जो है वह समुद्री तट पर्यावरण प्रबंधन पानी गुणवत्ता को देखते हुए दिया जाता है। कोवलम केरल का और ईडन पुडुचेरी, इन दोनों को हाल ही में ब्लू फ्लैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास हाल ही में कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है? तो समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है। तो ऑप्शन थ्री या थर्ड सही होगा, जिसका सही ऑप्शन है तीसरा। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास किया जाता है। 2018 में इसका आयोजन शुरू किया गया था। बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा चेंज मेकर अवार्ड 2021 में फिरोजशाह जहां बीदर को हाल ही में नवाजा गया है, यह किस देश के रहने वाले हैं? दोस्तों इस अवार्ड से नवाजा गया है जिन्हें, इनका नाम है फरोज फैजा है वीदर, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन सी बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह अवार्ड जो दिया गया है वह बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसका नाम चेंज मेकर अवार्ड है। 2021 में यह फरोज फैजा है वीदर को दिया गया है, बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इस अवार्ड की स्थापना 2000 में की गई थी, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। दोस्तों इसके संस्थापक मेलिंडा और बिल गेट्स हैं। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी यह अवार्ड दिया गया था। हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश का नर्मदा एक्सप्रेस वे को हाल ही में भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों रिंग रोड भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर का निर्माण किया जाएगा। एनएच
NHAI इसका निर्माण करेगी। एक साल में यह निर्माण पूरा होगा। अटल एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर निर्माण किया जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है, अटल एक्सप्रेस वे का नाम हाल ही में दोस्तों अटल एक्सप्रेस वे किया गया है। इसका पहले नाम चंबल एक्सप्रेस वे था। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नीलिमा गुप्ता को बनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नीलिमा गुप्ता। दोस्तों यह मध्य प्रदेश की पहली विश्वविद्यालय है जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यह सागर में स्थित है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और यह मध्य प्रदेश की साइड से केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो जिसमें हमने बात की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते ना ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो रेगुलरली पाने के लिए मैं आप बहुत मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।